क्लास 9, 10, 11th और 12th का रजिस्ट्रेशन और LOC का प्रोसीजर चल रहा है अभी। उस प्रोसेस के लिए CBSE ने पेरेंट्स के लिए एक इंस्ट्रक्शन जारी किया है कि पेरेंट्स को क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। देखिए उसको पढ़ते हैं तो पहले CBSE कह रहा है कि भाई हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स या सर्कुलर जारी किए हैं, आप उनको चाहें तो उनको भी पढ़ सकते हैं। फिर उन्होंने लास्ट डेट दी है कि 9th और 11th के लिए जो है वो 18 सेप्टेम्बर से लेकर 16 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन चल रहा है, अगर विदाउट लेट फीस। लेट फीस होगी तो 18 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक चलेगा। वहीं क्लास 10th और 12th के लिए 5 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक चल रहा है और विदाउट लेट फीस। अगर लेट हो गए तो आप 5 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक भी लेट फीस के साथ भी कर सकते हैं, जो कोशिश करें कि ना हो। अब उसमें वो पेरेंट्स को कह रहे हैं क्या बात है ध्यान रखने की। देखिए जब एक बार डेटा सबमिट हो गया रजिस्ट्रेशन का या LOC का, तो उसके बाद कोई भी आप अगर रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे डेटा में चेंज कर दो नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, तो वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। उसके बाद क्या है, अगर आप ऐसी कुछ चेंज करवाना है, सब्जेक्ट करेक्शन करवाने की, सब्जेक्ट ही दूसरे हैं, तो वो भी LOC सबमिट होने के बाद नहीं होगा। वो फिर आपको सीधा सप्लीमेंट्री जब एग्ज़ाम्स होंगे कंपार्टमेंट वाले, तब आपको उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर आपका कोई गलत सब्जेक्ट डल गया है तो वो स्टूडेंट की मर्जी है कि वो उस गलत वाले सब्जेक्ट में अपियर होना चाहे या नहीं होना चाहे, फिर सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में उसको करेक्ट सब्जेक्ट भरना पड़ेगा। अब ये कुछ गलतियाँ ना हो तो CBSE ने कुछ पॉइंट्स कहे हैं कि जो आपको पेरेंट्स को ध्यान में रखने हैं, मैं कहूँ स्टूडेंट्स को ध्यान में रखने हैं। पहले तो कि जब आप डिटेल्स फिल कर रहे हो तो आपको बड़ा अटेंटिव रहना है, बड़े ध्यान से डिटेल फिल करनी है। आपका जो बच्चे का पर्सनल डेटा है, जैसे नाम हो गए, डेट ऑफ बर्थ हो गई, मदर्स नेम हो गए, फादर्स नेम हो गए, वो पूरे ध्यान से आपको भरना है। दूसरी बात, जो सारे नाम्स हैं उनको एक्सपेंडेड फॉर्म में भरना है, शॉर्ट नेम्स नहीं लिखने हैं कि कुछ का सिर्फ एब्रिवेशन थोड़े थोड़े एक दो लेटर लिख दे पूरा नाम लिखने की जगह डॉट लगाकर, ऐसा नहीं, पूरा नाम लिखना है। सरनेम, अगर आपका अब्रॉड जाने का प्लान है बच्चे का, तो सरनेम ज़रूर लगाएं, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ में क्या होता है वो सरनेम और फर्स्ट नेम दोनों मांगते हैं, इस बात का ध्यान रखें। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो सब तरीके से करेक्ट होनी चाहिए। उसके बाद जो है, जो भी अगर आपके बच्चे का पासपोर्ट बना हुआ है तो पासपोर्ट के साथ भी अपना डेटा मैच कर ले, सेम डेटा होना चाहिए ताकि फ्यूचर में दिक्कत ना हो। अगर आपने सब्जेक्ट एक बार फिल कर दिए, बच्चे के सिलेक्ट कर लिए 10th और 12th में, तो उनको चेंज करने का कोई ऑप्शन LOC सबमिशन के बाद नहीं मिलेगा मेन एग्ज़ाम में, फिर सीधा सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में उसको चेंज करवाना पड़ेगा। अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो वो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, तो डेटा कलेक्ट करेक्ट होना चाहिए। उसके बाद कह रहे हैं कि आप पेरेंट्स थोड़ा स्कूल के साथ भी विजिट कीजिए, स्कूल में जाइए, वहाँ पर उनका थोड़ा टाइमली सबमिशन हो जाए, लेट फीस ना लगे बच्चे की और स्कूल की, उसके लिए आप उनको कोलैबोरेशन के साथ एक साथ मिलकर काम कीजिए। इसके रिगार्डिंग और कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप मुझे चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं।